खबर संत कविनगर जनपद से है, जहां गोंड विकास संस्था के बैनर तले वीरांगना महारानी दुर्गावती की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के निर्भीक के नेतृत्व में कबीर स्थल मगहर से खलीलाबाद शहर का भ्रमण करते शोभा यात्रा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन देकर जल्द से जल्द मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई। गोंड समाज के द्वारा दिए गए ज्ञापन में जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने तथा महारानी रानी दुर्गावती की मूर्ति स्थापित किए जाने समेत 13 सूत्री मांग पत्र देकर मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई। इस दौरान प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अगर जल्द अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन समाज के लोग करेंगे, जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना होगा। हम अपने हक और अधिकार के लिए प्रशासन से लड़ेंगे। आज गोंड महारानी दुर्गावती जी की जयंती पे हम लोग मगहर से खलीलाबाद और खलीलाबाद से जिलाधिकारी कार्यालय पे 11 सूत्री मांग ज्ञापन दिए हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमारा अनुसूचित जनजाति का पहले जिन लोगों का बना था वो भी उसका भी मान्य नहीं लोग कर रहे थे, और उसके बाद जो है 24 फरवरी 2023 को जनजाति के लिए जनमत करने के लिए आदेश आया है, और ये आदेश आया कि जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है उनका चार रूप से बनाया जाए, लेकिन अधिकारियों द्वारा और लेखपालों द्वारा अनाकानी किया जा रहा है। और हम लोग का अगर ये चीज और हमारी जो सुख सुविधाएं अगर जात प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई और अन्य नौकरियों में हमारी सुविधा अधूरी है और हम लोग सुविधा से वंचित हो जा रहे हैं। तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है तो मैं अगले माह में आमरण अनशन पर बैठ करके विशाल जो है जनसभा को लेकर के चक्का जाम करेंगे और रेल रोकेंगे। इसी के साथ देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने अनुसूचित जाति फिर अनुसूचित जनजाति को संत कविनगर में किया, लेकिन जिला प्रशासन बार बार हीला हवाली करते हुए गौंड समाज के लोगों को, जिनकी धरती ये है, जिनका ये देश है, मूलवासी है, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के मन में खोट है। बार बार गौंड समाज के लोग, संत कविनगर के लोग बार बार डीएम से, जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, और हम उस रीति रिवाज, उस परंपराओं के अधीन है कि हम जनजाति समाज के और हमको हमारा प्रमाण पत्र दीजिए, तमाम वैकेंसियां हैं, तमाम आरक्षण हमारा समाप्त किया जाए, जिसको लेकर आज संत कविनगर में मगहर से लगाए, कई किलोमीटर दूर से लगाए हम लोगों ने प्रभात फेरी निकालते हुए महारानी दुर्गावती जी के जयंती के अवसर पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया कि प्रभु मां की जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी महोदय कोई हमको गिफ्ट नहीं दे रहे, ये हमारा मूल अधिकार है, और शासन ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने शासन आदेश जारी किया और केंद्र की सरकार ने इसको गजट जारी किया, तब ये अधिकार हमको मिल रहा है, किसी अधिकारी के रहमो करम पे नहीं मिल रहा है। दूसरा कि संत कविनगर के किसी चौक चौराहे पर महारानी दुर्गावती जी की प्रतिमा का स्थापन किया जाए, क्योंकि बहुतायत की संख्या में पूर्वांचल के संत कविनगर में भगवान कबीर की धरती पे गौंड समाज की बहुतायत की संख्या में लाखों लाख गौंड समाज यहाँ पाया जाता है, और हमारे समाज के किसी एक नेता के नाम से चौराहा नहीं है। तो डीएम से हम लोगों ने यह भी मांग किया है, और अगर अतिशीघ्र जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है तो अपने नेता निर्भीक जी के नेतृत्व में, ईश्वर चंद जी के नेतृत्व में, मनोज जी के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करने का संत कविनगर में काम करेंगे, जिससे कि जिला प्रशासन के चूल्हे हिल जाएंगे। आज हम लोगों का वीर महारानी दुर्गावती जी की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने मगहर से लेकर खलीलाबाद तक अपना जुलूस निकाला है, और जुलूस निकाल करके जिलाधिकारी महोदय को 11 सूत्री मांग पत्र दिया है, जिसके अंतर्गत हमने ये मांग किया कि अगर हमारी मांगे अपना पूरा नहीं हुई तो आगामी माह में हम लोग अनशन करने के लिए पुनः मजबूर हो जाएंगे। जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या प्रमुख मांगे? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो जात प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का 24 फरवरी 2023 को मान्य किया गया है, उसकी कार्रवाई पूरी की जाए।